ओवर 30 इयर्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत के छोटे से छोटे गांव में जाकर खास खास टैलेंट चुन चुन कर ले आते हैं और हमें ये मौका देते हैं कि उन्हें हम यहाँ ले आए। जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों। संगम कला ग्रुप के प्रेसिडेंट श्री डीएसके सूद साहब हमारे साथ हैं। चाहे इश्मीत हो, तोशी हो, अभिलाषा हो, हर्षित हो, हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स उन्हीं की खोज है। सर, हम चाहते हैं आप कुछ कहें। 30 वर्ष पहले ना तो कोई कॉन्टेस्ट होते थे, ना ही कोई चैनल होते थे। एक अच्छा मौका आया जब ये चैनल शुरू हुए। मैं इसका श्रेय देना चाहूंगा दुर्गा जी को। ये पहले शख्स थे जिन्होंने टेलीविजन और चैनल के जरिए ऐसा मौका अच्छे अच्छे आर्टिस्टों को दिया। आज भी कम से कम 6 बच्चे 7 बच्चे जो आज आपके वॉइस ऑफ इंडिया में गा रहे हैं, ये संगम कला ग्रुप से हैं। आज के टॉप सिंगर जैसे सोनू निगम साहब, सुनिधि चौहान जी, श्रेया घोषाल जी, ये सब आप ही पहले से सोचा। मैं इनके साथ में बहुत पहले से और गाता तो मैं पहले से ही था, लेकिन मेरा पहला कंपटीशन मैंने जो बड़ा कंपटीशन था वो संगम कला ग्रुप का ही था। 88 की जनवरी की बात है। श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं साहित्य सिनेमा और समाज। आज के हमारे खास मेहमान हैं श्री वीएसके सूद सर। सूद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। थैंक यू फॉर कॉलिंग जी। तो सर, इससे पहले कि हम बात करेंगे आगे की, हम जानना चाहेंगे कि आपका जो शुरुआती जो आपकी एजुकेशन थी, फैमिली बैकग्राउंड था, आप किस तरह के परिवार से ताल्लुक रखते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में आप हमें बताइए। मैं एक पंजाबी फैमिली से हूँ, लुधियाना में बॉर्न हूँ, पढ़ाई सारी मोस्टली दिल्ली में ही की है। पढ़ाई के बारे में बताऊँ तो I have done my B.A. honors in political science. I have done my M.A. in political science. I have done my another M.A. in social work, specializing in HR. एक मैंने PGDPM किया है, LLB किया हुआ है। कैसे पढ़ाई बड़े दिल्ली में है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही की है। टोडी मेल कॉलेज वाज मेन कॉलेज जिसमें बच्चन साहब भी रहे हैं जी। अच्छा, ये उसी दौर की बात है? हाँ, वो हमारे सीनियर थे बच्चन साहब से, सीनियर से। अच्छा अच्छा, ओके। तो सर, एक 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 बात है कि 40 साल जो संगम कला ग्रुप जो आपका ग्रुप है, 40 साल इसको तकरीबन, ये मोर देन 40 ईयर अराउंड इतना पुराना ग्रुप है। मैं जानना चाहूंगा कि इसकी नींव कैसे रखी, वो कौन सा ख्याल था जो आपके जहन में आया और आपने इसके बारे में सोचा? देखिए, म्यूजिक और डांस का शौक तो मुझे मेरे खून में ही था उठ से। अच्छा, पर्टिकुलरली आप बड़े हैरान होंगे कि भी डांस, इनफैक्ट डांस वाज माय मेन लव। तो हमने वो जब मैं छोटा भी था जब से डांस हमने शुरू कर दिया था। फिर हौले हौले दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहुंचे तो B.A. ऑनर्स वगैरह किया है। वहाँ प्रोग्राम होते जो है मैसूर हुआ करते थे, इंटर यूनिवर्सिटीज यूथ फेस्टिवल होते थे। अब उसमें मेरी जाने की बड़ी इच्छा थी कि मुझे जाना है। वहाँ कुछ क्लासिकल आवश्यकता थी कि क्लासिकल का ही कॉम्पिटिशन हो, तो हमने कथक से शुरू किया था सीखना। बट फिर गुरु सिंह अजीत सिंह जो त्रिवेणी का केंद्र में आज भी है अलाइव गुरु थे, तो हमने 2 साल तकरीबन मणिपुरी डांस को सीखा और टचवुड दिल्ली यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया। सब उनके मणिपुरी स्टाइल के मेल डांसर्स वो सब वही उसी साइड से थे, नॉर्थ ईस्ट के। लड़कियां तो जीती होंगी यहाँ, नॉर्थ में मेल डांसर्स नहीं आते। आई हैड द प्रिविलेज बीइंग रिप्रेजेंटेड दिल्ली यूनिवर्सिटी इन दैट डांस जिसमें मैं जीता। तो एक डांस की शौक था ही, डांस वालों को थोड़ा म्यूजिक के साथ आनी शुरू हो जाती, वो म्यूजिक भी एक शौक था। नहीं कहता कि नहीं था, बिल्कुल था। जब महफिलें छोटी मोटी होती थी, छोटा मोटा गाना गा दिया और दोनों मिलते सब होते रहे।
फिर एक दौर आया जब मैं जब मेरा काम करे करेगा लास्ट ब्रो दिल्ली, उसमें मैं रीजनल और वहां से आई वुड से सही मायने में डायरेक्टली शुरुआत हुई। एक ग्रुप था जो कि डीसीएम की कंपनी होती थी मिल्स, वहां पर वर्कर्स ने ग्रुप बना रखा था, ज्यादातर प्ले ड्रामे करते थे, लोग फंड नहीं होते थे। उनका जो एक सेक्रेटरी था वो मेरे पास काम करने के लिए एक महीने के लिए आया, टेम्परेरी हायरिंग मैंने किया था उसको। उसको मालूम हो गया कि उसी दौरान कि मुझे म्यूजिक का डांस शौक है, उसका हिसाब किताब हुआ, वो चले गए। सडनली फिर मैंने आई फाउंड वो इंतजार कर रहे हैं, मुझे मिलना चाह रहे हैं। मैंने पूछा किस लिए, कह रहे सब मिलेंगे तो बताएंगे। तो वो आए और जो फाउंडर थे मिस्टर ए शर्मा कुमार, सरगंगा ग्रुप के फाउंडर, मैं उसे कहूँगा। उस शख्स ने वर्क वन कॉलोनी से शुरू किया था उसने, तो वो ये लोग आए और मुझे इन्वॉल्व किया। एक बड़ा प्रोग्राम रखा हुआ था, मुझे मैंने बताया, एक प्रोग्राम में मैं पहुँचा तो उन्होंने मुझे वहाँ पर ना जाने क्या देखा, मेरे शौक को देखा, कैसे भी देखा, तो उन्होंने मुझे सौंप दिया ये भार जो मैं उतार नहीं सकते चल रहा है, भगवान की देन है, आगे बढ़ते रहे हैं। तो शुरू में तो प्लेज हो रहे थे, हमने उनको सपोर्ट किया जहाँ पे करते करते थे, प्लेज के नाम कर लेने हैं, तरह तरह के पांच चार प्लेज थे। एक कॉमेडी प्ले भी था, गौरा हमारा किराएदार, कैसे कुछ चलते थे। देन वी थॉट कि भाई ये तो सब कुछ हो रहा है, ड्रामे में कुछ हो रहा है, पर कुछ जिंदगी में कुछ नहीं होनी चाहिए जो होनी चाहिए। म्यूजिक की बात दिल में थी ही, तो हमने हमने देखा कई लोग मिलते थे, बात बड़े उभरते कलाकार भी दिखते थे, ये बात करो तो कहते थे कि हमारे पास तो कोई रास्ता है नहीं। उस जमाने में बड़े बड़े आर्टिस्ट रफी साहब हैं, पिताजी हैं, आशा जी हैं, मुकेश जी हैं, वो सब हमें करते बैठे इंडस्ट्री में बैठे हुए थे, अच्छे अच्छे आर्टिस्ट थे, उनके मुकाबले में तो कोई हो नहीं सकता, बट हाँ इनको क्या हो। तो ऐसी एक विजन आया, एक विचारधारा कही है कि वही लाने वाला तो भगवान ही होता है, कि ना क्यों ना हम कुछ इनके लिए करें। वो बस वो खाया, तो हम लोगों ने सोचा कि कॉम्पिटिशन करते हैं इन लोगों को आगे प्लेटफॉर्म देने के लिए, एक जिसमें कि हम लोग इनको कम्पीट करवाएं और इनको अच्छी अच्छी प्रतिभाओं को आगे से निकालें। स्टार्ट में दिल्ली से शुरू हुआ, बट हले हले विद द ग्रेस ऑफ गॉड इट बिकेम ऑल इंडिया ग्रेजुअली। तो शुरू में मुझे याद है कि जो हमारे पहले हमारे जो गेस्ट थे चीफ गेस्ट, वो ले श्री जयदेव थे, और अच्छा लोग बड़े हैरान थे कि ये जो कंपटीशन हमारा होता था वो आज भी वैसे ही है, पांच से बारह साल, बारह से अठारह, अठारह से तीस वर्ष आयु वर्ग के जो लोग होते थे बच्चे, उनको उनको सेम कैटेगरी, फिल्म कैटेगरी भी थी, नॉन फिल्म कैटेगरी भी थी, जिसमें उनको गाना होता था, और जो अच्छे गाते थे नेचुरली जजेस जजेस अच्छे बनाए जाते, तो वो दिल्ली से शुरू हुआ, मोदीनगर हुआ, यानी कि बढ़ते बढ़ते इतना अच्छा होने लगा। मतलब हमें उन्होंने भी कहा कि सुधा इसमें पांच से बारह कैटेगरी को मत हटाना, लेट श्री जयदेव जी ने, और बिलीव मी आज भी हमारे पास पुराने जो फिल्मी आर्टिस्टों के उस साल के भी हमारे एज ग्रुप के पड़े हुए हैं, हमारे हिस्टोरिकल आप कह सकते हैं वो जी।
हेलो या हाँ सर, वो एक्चुअली नेट का थोड़ा इशू था तो हाँ सो लोग आते आते गए, कारवां बनता गया। हम लास्ट टुकड़ों में थे, लकीली गॉड के बाहर जाने के मौके यहाँ पर वहाँ पर तो सारे हिंदुस्तान में जाने आने के मौके मिले वहाँ भी, और मोदी आई वाज वर्किंग विद मोदी सम टाइम आल्सो, आई वाज द कॉर्पोरेट हेड ऑफ एचआर वहाँ पे। तो जहाँ गए शौक को साथ ले गए और अच्छे अच्छे लोगों को ढूंढा जो म्यूजिक के शौकीन थे, म्यूजिक के चाहने वाले थे, दे आर दी पैशन जी, तो वो उनको लाने की कोशिश की, समझाया। साउथ वालों को सबसे मुश्किल काम था समझाना, कह रहे भी आप लोग हिंदी में गाते हैं अब हमारा लोग क्या करेगा। समझा के देखिए सुर ताल की कोई दिक्कत, वो लैंग्वेज नहीं होती है। आज भी हमारे यहाँ लैंग्वेज नहीं है बात, कि आप फिल्म आप साउथ के नहीं गा सकते हैं, या कोई कन्नड़ में नहीं गा सकते हैं, या कोई आप तमिल में नहीं गा सकते हैं। तो दे एग्रीड, अब वो ये फार्मूला हमारा सक्सेसफुल हो गया। वो एक ऐसी इंसिडेंट हुई जहाँ केरला में हमारा चैप्टर सबसे स्ट्रांग बना पहले शुरू। उन्होंने जो उनका बच्चा लड़की फर्स्ट आ रही थी, बहुत अच्छा गा रही थी, वो दे सेड ये तो फर्स्ट है, और आपने कोई साउथ इंडियन जज रखा है, हमने उनके साथ हैं। बिलीव मी, उसको सेकंड आ गई। क्यों? साउथ इंडियन जज ने उसको उसकी प्रोनाउंसिएशन प्रूफ पर नंबर कम दे दिए। वो बड़े परेशान भी थे। सर हम नॉर्मली दिखाते नहीं, जज को इंटरफेयर नहीं करते, आप देख लो आप ही के साई के जज ने आपको आपके बच्चे को नंबर दिया। अब जैसे उस माहौल में है वैसा है, दे एग्रीड। उसके बाद कभी बात नहीं है कि साउथ इंडियन जज को बिठाइए ना बिठाइए, उनके बच्चे भेजे हुए अवार्ड लेके जाते हैं अब भी जी। तो हमें एंड केरला इज वन ऑफ आर बेस्ट चैप्टर्स, 17 छोटे वहां पर हमारे बने हुए हैं। मेन चैप्टर कोचिन में है, पर त्रिवेंद्रम में है और भी, तो 16-17 छोटे चैप्टर भी है जो सब चैप्टर करा सकते हैं, एंड दे आर डूइंग वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स। तो वहाँ है कहाँ नहीं है, मतलब अब तो ग्रेजुअली कहिए कि 82 चैप्टर हमारे बन गए, और बेंगलोर में भी है, चेन्नई में भी है, हैदराबाद में भी है, अब्रॉड में भी आप अब्रॉड से भी आप लोगों को मिल, अब्रॉड में भी हमारे 10 कंट्रीज में हमारे प्रेजेंस है। तो एक तरह से विद द ग्रेस ऑफ गॉड वी हैव स्प्रेड आउट इन द कंट्री। एक हमने हमेशा कोशिश की कि हमारा जजमेंट मैरिट पे रहे, ये एक हमारा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा कि कोई जजमेंट को चैलेंज नहीं कर सकता था। और हमारे कुछ लोग कैसे थे, गुरु एक गुरु जी थे जिसे हम कहते हैं विष्णोई जी, वो आज नहीं रहे, बट वो इतने सख्त थे, जजेस को भी आसपास दूर दूर बिठाते थे, और आज आज भी जजमेंट का स्टैंडर्ड हाई है। इसी वजह से हम कुछ अच्छे आर्टिस्टों को कंट्री को दे सके, जिसमें सोनू निगम है, इराज नसानी है, जसविंदर नरूला है, सुनील चौहान है, नरेंद्र है, शाह विशाल है, आपके तोशी है, यू नेम, अभी बहुत सारे नाम लिए जा सकते हैं, तो कुछ एक नाम है पड़े आपको देने के लिए। तो हर चैनल पर हमारे आपको लोग दिखेंगे। आज हम तो नॉन कमर्शियल ग्रुप हैं, उनको जो हम बट हम चाहते हैं हमारे लोगों को चांस मिले, लोगों को तो वो हमारे लोगों को जो अच्छे होते हैं, दीज पीपल फ्रॉम द चैनल्स दे कम एंड पिक अप द बेस्ट फ्रॉम आवर साइड, उनके साइन में कराते हैं, मतलब दे मेक श्योर कि उनको अच्छे से टैलेंट मिले। हमें खुशी है कि हमारे टैलेंट को चांस मिल रहा है। तो अब हमारे जो अच्छे चुने गए बच्चे हैं ऑल ओवर की कंट्री से भी, उनको लाइन लाइन ही लगानी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए सारे काम पा हुआ। हाँ, जो भी चैनल है मैं नाम नहीं लेना चाहता। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ, वो हमने अब हमारा सर्टिफिकेट देखने के बाद इनको मालूम हो जाता है फिल्टरिंग काफी हुई है इनकी,
पहले स्टेट लेवल पर हुआ है प्रिलिमिनरी, फिर स्टेट का फाइनल हुआ है, फिर दिल्ली में इंटर स्टेट होता है, इंटर स्टेट के बाद सेमीफाइनल होता है, फिर जाके जो 18 बेस्ट चुने जाते हैं वो स्टेज पे गाते हैं। और अच्छे अच्छे लेवल के लोगों को हम इन्वाइट करके रखते हैं, डायरेक्टर्स को, म्यूजिक डायरेक्टर्स को या किसी भी लोगों को जो जो अच्छे हैं, वो गुणी हैं, जो फिल्म वर्ल्ड से हैं या म्यूजिक वर्ल्ड से हैं, ताकि वो आए। बच्चे बड़े प्रोत्साहित होते हैं कि बड़ा अच्छा एक है, इसीलिए हॉलैंड नाम बन गया, लोगों ने जान पहचान समझना शुरू किया कि वाकई ये एंड वी आर द ओनली ग्रुप दैट टाइम। सारेगामा पार्क जब शुरू हुआ तो वी गॉट स्टार्टेड, सोनू वाज़ द एंकर। उसने रिकमेंड किया कि अगर आपको आप शुरू करने जा रहे हैं तो आपको अगर अच्छे चाहिए लोग तो वहां से मिलेंगे। We had started like that there also. आज आज जो आज है with the grace of God, वो हम हमारी कोशिश यही रहती है कि हम उभरते कलाकारों को चांस दें और कुछ कुछ ऐसा कुछ करें ताकि वो उनको तरक्की मिले, कुछ आगे बढ़े, रूप चाहे दो चार भी आगे बढ़ेंगे। कोई लोग फिल्मों में जा रहे हैं, फिल्म में नहीं जा रहे, तो कोई टीवी में गा रहा है, कोई रेडियो में जा रहा है, और बाहर भी आई कैन हम बड़े हैरान थे। कई बार हम मिले हैं थाईलैंड में, गए होटल में, हम लोग 33rd फ्लोर की था, हम हिंदी हिंदी वालों को खाना वाना खाने गए, दो लोग बैठे हैं और गा रहे हैं, ही हस्बैंड वाइफ, वो देखते रहे हमें, हम भी देखते रहे, वो आए पहचाना, आप सर आपने पहचाना नहीं मुझे, मैंने कहा पहचान गया मैं, ये कुमकुम है ना। यस, हमारी स्टेज से बहुत सारी मैरिजेज हुई हैं जो गाने वाले जाते हैं तो अगर हम काउंट करना चाहें तो कम से कम 30-40 मैरिजेज आपको बता देंगे जो हमारे स्टेज से हुई हैं। इतने साल क्या बात है, क्या बात। जोड़े मिलना, जोड़े 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 भी बनाए तो वो भी ऐसे हुआ। तो ये होता क्या, टीम अच्छी थी, हम लोगों ने जो टीम वर्क के बिना तो काम हो नहीं सकता, तो वी हैड ए वेरी गुड टीम जो काम करते थे रीजन्स में, रीजन हेड्स थे जो वहाँ प्रोग्राम कराते थे अपने डिफरेंट में, आज भी कराते हैं, वहाँ से फिर वो चार्ट के स्टेट के बेस्ट दिल्ली में भेजते हैं। अभी हमने लिमिट कर दी, पहले तो रिवाज था कि हम सबको दिल्ली में ठहराते थे, शुरू शुरू में तो हमने घरों में अपने सेक्रेटरी के यहाँ, प्रेजिडेंट के यहाँ, मेरे यहाँ, किसी के यहाँ, सबके ऐसा कुछ किया, घर से खाना बना के ले जाते थे दिल्ली के लिए भी और इन लोगों के लिए भी। यही सर, यही सवाल था, यही सवाल था कैसे होते कि हाँ कितना मुश्किल रहा ये शुरुआती दौर जो था आपका, ये कितना मुश्किल रहा इसको एस्टेब्लिश करना? बहुत मुश्किल रहा, पोस्टर तक हमने लगाए जाके दीवारों पे, आजकल तो अलाउड नहीं है, होने भी नहीं, पर वहां तक कॉलेज में पहुंचे, जहां पहुंचे चिट्ठियां लिखी, बताया, जो लोगों को मालूम हुआ तो फिर लोग आए, और फिर वो उसका ये रहा कि वाकई अच्छी आवाजें ढूंढी, कभी कभी गांव से भी हमें आवाजें मिल गई इंटीरियर्स में से। तो ये दौर था, बड़ा डिफिकल्ट था, ठीक कह रहे हैं, बड़ी मुश्किल की बात थी। हाँ, सबको मालूम था कि संगम से जो आवाजें निकल के फाइनली आएंगी वो बड़ी सुरीली होंगी, तो उसका नाज हमें आज भी है। और राहुल जी आपको फैक्ट है कि हम बड़े किस्मत, हमने चाहे कुछ और कुछ नहीं, हमने इमेज संगम का रूप को बना है जो आज भी कायम है, तो वी आर वेरी हैप्पी दैट हम कुछ देश के लिए कर पाए, कुछ अच्छे संगत दे पाए। नो डाउट सर, नो डाउट, कोई शक नहीं है सर, प्लेटफॉर्म की गुणवत्ता को लेकर कोई शक नहीं है। तो सर एक चीज यहाँ पर ही आती है, अभी आपने कहा कि एचआर प्रोफेशनल जो कि आपका रहा है, प्रोफेशनल से आप एचआर में रहे हैं शुरू से, तो ये कितना मुश्किल रहा बैलेंस कर पाना कॉर्पोरेट एचआर वो सारा कुछ? आपने आप एक हाल ही में एक मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, आप एक टॉप रैंकर, वो मेरी कंपनी है, आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इसको कैरी फॉरवर्ड करना, कोई औसत ग्रुप दूसरे में आज नहीं है आज जो लगातार इतने सालों से हर साल करे, एक आधा साल कुछ छूट गया होगा किसी वजह से तो बात और है, अदरवाइज अभी 39
सेवेंथ ईयर होने जा रहा है जो हम दिसंबर फर्स्ट वीक में शुरू करने की सोच रहे हैं, तो 39 प्रोग्राम हम लगातार करते रहे और आपके द्वारा से विद द लव ऑफ द ऑडियंस करते रहेंगे, कुछ यहाँ बातें कर सकते हैं। कैसा लगता है सर आपको जब आप पीछे मुड़ के आज देखते हो, एक इतने लंबे वक्त के बाद आप जब पीछे मुड़ के देखते हैं कि इतना रास्ता आपने तय किया है और इतनी अच्छी सफलता, एक क्लास, एक प्लेटफॉर्म आपने रेडी किया है। इन शब्दों में कहूंगा कि माली जब अपने फूलों खिलते देखता है तो बहुत खुश होता है। तो मैं वही, जब हम लोग ऑल इंडिया से हमारे क्षेत्र के लोग आए होते हैं उस टाइम में लोग मिलते हैं तो ये सब अपने अपने दिखते हैं कि संगम की फैमिली है और हमारे रीजनल हेड वाले भी हैं, दूसरे भी हैं, सब मिल मिला के एक बड़ा प्यार उमड़ता है, एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है। जो आप काम में कमी नहीं है, काम को भी रखा है। मैं अपने आप को एडमायर नहीं कर रहा हूँ, बट आई हैव बीन अ वेरी गुड सक्सेसफुल एचआर डायरेक्टर और उस लेवल तक बात भी इसको मैंने कायम रखा। रातें अपनी हैं, शामें अपनी हैं, छुट्टियां अपनी हैं, तो काम को डिस्टर्ब नहीं किया बिल्कुल। तो लास्ट अक्टूबर में था या मोदी स्टोन ग्रुप में था, कहीं भी था, इनफैक्ट ट्रॉफीज केम फ्रॉम मोदी, डॉक्टर मोदीज मदर, शुरू में हमारा जो डॉक्टर मोदी का शुरू हुआ, तो इन लोगों का कंट्रीब्यूशन भी रहा है। हीरो होंडा हमारे से जुड़ गया और चेयरमैन साहब को अगर आप सुनेंगे हमारे, कभी आपको मौका मिलेगा तो आप देखेंगे, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि सुसा और उनकी सारी टीम सारे हिंदुस्तान से ढूंढ के लाती है अच्छे अच्छे बच्चों को। धन्यवाद तो हमें कहना चाहिए कि इतने अच्छे से बच्चे लेके आना, उस आदमी को हम भूल नहीं सकते। तो हीरो होंडा का कंट्रीब्यूशन हमारे इसमें ग्रोथ में बहुत अच्छा रहा और भी लोग आए जुड़े, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हैं जिनकी हेल्प की सबसे चल रहा है, अदरवाइज गवर्नमेंट से हमने कभी कोई एड नहीं ली है। ये बलबूते पर चलता रहा, कहीं ना कहीं बस मेल मिला के हो गया, होता रहा। और सीरी फोर्ट में अब शुरुआत तो की थी मावलंकर ऑडिटोरियम से, बट हौले हौले बढ़ते बढ़ते फिर अब तो हम नॉर्मली सीरी फोर्ट में ही करते हैं या एक इसको जो अपना स्टेडियम क्या ओपन स्टेडियम क्या दिखी, तो वहाँ पहले वहाँ भी करते रहे। ऑडियंस इतनी कहाँ से आ जाती है आपके प्रोग्राम, पूछते थे हमें चेयरमैन साहब भी और फैमिली भी आती थी प्रोग्राम देखने। हीरो उस टाइम हीरो होंडा नाम था, आज उनका नाम हीरो कॉर्प के नाम से है। तो हम वी सेड वी डोंट नो, बल्कि कभी कभी पुलिस का बंदोबस्त करना पड़ता था, बाहर करके रखते थे हम ताकि भी भीड़ ज्यादा होगी तो संभाल सके, बस कम फर्स्ट सर्विस का मामला होता था। तो अब भी हम थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं, नेशनली इंटरनेशनली हम अब हैं ही, अभी हमारे कुछ एक बाहर के चैप्टर भी हैं जो कि वहाँ तो वहाँ से कोई कोई बहुत इंटरेस्टेड होता है, वो कॉम्पिटिटिव करने आते हैं। अरे अब जो होगा इस साल का भी वो बेसिकली डिजिटल होगा, जो वहाँ के पार्टिसिपेट होंगे वो डिजिटली गाएंगे। वो कहते हैं तो एक तरह से अच्छा हो गया कि हम सारे पैसे जाते थे। सही है। सर एक जी, तो मैं चाहूंगा कि कोई मैसेज जो आप देना चाहते हो संगम कला ग्रुप के प्लेटफॉर्म पर जो लोग आना चाहते हैं या जो आ चुके हैं, जो आगे भी आना चाहते हैं, उनके लिए कोई मैसेज जो आप चाहते हो देना। मैं दो तीन चीजें कहना चाहूंगा कि वही आए जो जिनका एक पैशन है, एक जील है, वो गाने में वो आगे बढ़ना चाहते हैं और गाना गाना और गाना सुनाना या गाने को संभालना
ये तीनों चीजें बड़ी दिक्कत की हैं। नंबर टू, सुर ताल को और समय थोड़ा समझने के लिए क्लासिकल लर्निंग भी बड़ी हेल्प करती है। तो एक अच्छे गुरु होने चाहिए ताकि उसका बेस बन जाए, वो तैयार हो क्या है। तीसरा ये कि अपनी नकल का जमाना नहीं रहा, लोगों को अब रफी साहब की आवाज सुनी हुई है, उनके मुकाबला तो हो ही नहीं सकता या किसी की भी, तो वो उनको उनसे इंस्पिरेशन लो, वो इस काबिल है कि इंस्पिरेशन आप उनसे लेंगे तो आगे बढ़ेंगे। बट हाँ, अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखिए, आप अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। आपने देखा होगा कि वही आवाजें आजकल तरक्की में है जो एक डिफरेंट आवाजें आ रही है, कुछ अपना अलग खुद का एक अलग स्थान बना दिया लोगों ने। तो हाँ, हम नहीं चाहते कि इसको बिगाड़ा जाए, नीचे रिवाज आए मिक्सिंग कर दो गानों की, सत्यानाश कर दिया गया कुछ लोगों का, मैं कोई नाम नहीं लेना चाहता, वो फैशन में आया। अब वो संगम तो बिलीव करता है कि एक सुरीलापन, एक अच्छी गायकी, एक मधुरता जो गाने में भी हो, लोगों को सुनने में भी अच्छा लगे, तो वो हम एक्सपेक्ट करते हैं और उनसे चाहते भी हैं कि, और घबराना नहीं। संगम में लोगों ने माना इस चीज को कि हम एक साल हार गए, अगले साल हम जीत गए, क्यों मेहनत की है, तो हम डिस्करेज नहीं करना चाहते। हम तो उन्हें कहना चाहते हैं कि वही आओ जो ये सोच के चलो कि भाई अगर मैं रह भी गया तो मैं फिर अगले साल काम करूंगा और मेहनत करूंगा। हाँ, रिजेक्ट होने के लिए ये मत सोच के मैं रिजेक्ट हो गया तो मैं गया, ऐसी कभी भी फीलिंग आती है, हम काउंसलिंग करके समझा देते हैं। एक हमारा बहुत जरूरी दो तीन लोग बैठे होते हैं, घबराना नहीं, डोंट वरी, फिर कोशिश करो, सीढ़ी चढ़ जाओगे, तो वैसी एक फीलिंग रहनी चाहिए भी। फिर इस जॉब को इनकरेज एज एन एचआर पर्सन, हम लोग ह्यूमन रिलेशंस को बहुत ऊंचा मानते हैं, हमने उसका आपको अनुभव भी है। अनुभव है, 30,000 लोग हमने हैंडल किए होंगे, सब मिला के देखा जाए वो क्या होगा, रिक्रूटमेंट की होगी। हम तो एक सिक्स सेंस पे पहचान जाते हैं कि ये क्या है, कान कान सुनते सुनते इतना समझने लगे कि सुर ताल है क्या, कहाँ पर ये बंदा ऊपर नीचे हो रहा है। तो पहले से वो तैयार होकर आएगा तो वो भी कोशिश करेगा कि तो एडवाइस ले ले, के बच्चे ऐसे होते हैं जो एडवाइस लेते नहीं है, पूछने आ गए अचानक किसी से, मुझे नहीं मालूम कहाँ, सर ये बता दो कौन सा गाना अच्छा है। भाई जजेस ने अल्टीमेटली देखना है, तो मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, अगर समबडी कम्स इफ एट ऑल, हालांकि हम इनकरेज नहीं करते, हम सपोजिंग आई मीन आई एम अवेलेबल इन बालकनी समवेयर, तो सर हम दो ऐसा थ्री फोर पीपल सिंगिंग, वो लड़ रहे थे ये वाला ये अच्छा है ये अच्छा, अरे एक मिनट सुन सब आगे पूछ लेते हैं। मुझे मुझे मेरे मैं कोई गारंटी नहीं देता, मुझे अच्छा लग रहा है, अगर जल्दी जा रहे क्या है, और चांस की बात हो वो वक्त फर्स्ट आ गया अंदर जाके, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके सुनते सुनते आपको कुछ ऐसा लगने लगता है कि हाँ ये कुछ अच्छा अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। जजेस में कोई इंटरफेरेंस नहीं, जजेस ने जो कर दिया वो माना जाएगा और विल गो बाय देयर वर्डिक्ट डेफिनेटली। अच्छे अच्छे आर्टिस्ट जो बॉम्बे से बुलाए जाते हैं, अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर्स बुलाते आते हैं, कौन नहीं आया है, मैं सारे नाम लूँ तो मेरा ख्याल है 10-20-30 म्यूजिक के टॉप 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 20 नेम्स हम कंसीडर कर सकते हैं, बिल्कुल वो सब आ चुके हैं, इंक्लूडिंग एआर रहमान आ चुके हैं, उधर से आपकी उषा खन्ना दो दिन बारी, उषा खन्ना जी आ चुके हैं दो बारी, उधर से आपके जो आप देखें तो उधर से हमारे अंकित तिवारी हमारे यहाँ से थे, उधर से और मैंने बता ही दिया आपको राज जी हैं, वो हर साल आना चाहती हैं, आती भी हैं, से ये खान साहब हैं, क्या नाम इनका, क्या इनका, हाँ ये जावेद अली, ये भी हमारे यहाँ से हैं। तो लिस्ट बड़ी पड़ी है, सब लोग तो याद नहीं हो सकते, बट मैं फिर भी आपको
चंद एक नाम जरूर बताऊंगा, वो यकीन कि हमारी फोटो भी जरूर लगनी चाहिए संगम कला ग्रुप में। हम नेशनल अवार्ड भी देते हैं जो संगम कला ग्रुप अवार्ड होते हैं, पैटर्नेज म्यूजिक जी, कंट्रीब्यूशन टू म्यूजिक एंड बेस्ट म्यूजिक टीचर, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर एंड बेस्ट म्यूजिक जो जो राइटर होते हैं, फिल्मी राइटर होते हैं, तो उनको भी करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आप हंसराज हंस भी आए थे, ये बड़ी छोटी सी थी जब आई थी आपकी पहचानी हुकैन श्री चौहान है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ देखा देखा वो फोटो में। सुन जी है ये नहीं थी तो पाकिस्तान से, बट गाना तो गाना है रेशमा जी थी, तो ये शंकर जी शंकर महादेवन है, ये भी आए थे। तो अब कलाकारों तो उससे प्रोत्साहन मिलता है अपने जो जसपिंदर नुबला हमारे यहाँ से है, उदित नारायण जी है, ही विद फैमिली बच्चा छोटा था तो वो एंकरिंग कर रहा है, वो सब है। तो एक जैसे आपने पूछा लगता बहुत अच्छा है, 40 साल में हम बड़े इतने जुड़ गए हैं एक दूसरे के साथ कि संगम को कोई मना नहीं करता आने के लिए, वो फॉर्म आते मतलब एक एक बन गया, आनंद राजनंद है, आनंद जी है, मतलब एक अभी रिसेंटली डेथ हुई जिसकी जो कहा था दिबांग में श्रीवास्तव आदेश आज आदेश दिबांग में, हाँ वो भी आए हैं। और दबंग में जो अच्छा वो दो भाई हैं जी, हाँ हाँ साजिद खान साजिद भाजी साजिद साहब, तो ऐसा वही हुआ। तो हम लोग हमारी अन्नू के फादर बहुत अच्छे गाते हैं, कमाल के उनके बहुत से कैसेट्स हैं। तो अब मतलब कोई अब ये भी आए कमाल शामी भी आए हैं, इन सबको मकसद ये होता है। और वो अपने तो क्योंकि बच्चों को प्रोत्साहन मिले, इनको जो पहले पहले आए थे तो टी सीरीज के हमारे दुष्यंत कुमार जी हमारे चीफ गेस्ट भी थे कई साल पहले, उनको सोनू इतना अच्छा लगा, अनु मलिक भी थे, ये थे और कुछ लोग थे, तो देखे जाते हैं आगे पहुंच जाते हैं। अपनी मेहनत करनी पड़ती है, आपने पूछा मैसेज, बिल्कुल स्ट्रगल के बिना काम नहीं होता, लगन के बिना काम नहीं होता, रिहर्सल रियाज के बिना काम नहीं होता, यू हैव टू डू ऑल दैट टू ग्रो एंड प्रोसीड फर्दर। बॉम्बे इज नॉट ऐसी आसान इंडस्ट्री नहीं है, बिल्कुल नहीं है। गए कई लोग जाते हैं, नहीं मैं दिल्ली छोड़ के मैं बॉम्बे में चांस बॉम्बे जा रहा हूँ, वो वहाँ घूमा है स्टूडियो में, वहां गए कई लोग को कुछ मिल गया, कई लोगों को नहीं मिला। तो ये है जो एक लक भी बड़ा कहलाता है, एक अपनी एफर्ट चाहिए। तो जिसने रियाज किया, जिसने एफर्ट करी, स्ट्रगल किया, बढ़ गया, नहीं तो बहुत लोग रह भी जाते हैं। कई लोग शादी वादी कराने के बाद वो फिर किसा वो वाइफ जब गाना नहीं दे रही है क्या गाते रहो, मरासी हो गए हो क्या। तो तरह तरह के लोग मिलते हैं आपसे, और कई लोगों के फोन आते रहते हैं, कई लोगों को अपनी सीडी भेजते रहते हैं कि लोग कि हमें आप गाना है यूट्यूब में गाना है, कैसे करना है आप करवाएंगे हमारे से, कीप ऑन वी डू आवर बेस्ट वी कैन। तो वी नीड ऑल द गुड विशेस ऑफ फ्रेंड्स लाइक यू एंड द ऑडियंस एंड गॉड के हम इसको कॉज को आगे बढ़ाते रहें जितना कर सकते हैं। तो एनीथिंग एल्स यू आस्क मी आस्क मी आई विल आंसर। एक आपने शुरुआत की, आपका भी गायकी में एक हाथ था, आप भी आपको डांस का शौक था, तो मैं चाहूंगा कि क्या आप कुछ चाहेंगे यहाँ पे गुनगुनाना? दोबारा बोले, कोई भी आपने कहा आपकी जो शुरुआत थी वो एक गायकी और डांस से थी, तो मैं ये भूल गया था कि मैं कलाकार से ही बात कर रहा हूँ अरे अब तो मैं हाँ अब तो मुद्दत होगी हमारी आवाज जो है वो कमर के कमरे हो गए, आवाज में फर्क पड़ गए हैं फिर भी जहाँ मजबूरी होती है तो जहाँ महफिल बैठती है कुछ ना कुछ
ग्वालियर टू ग्वालियर, तो ऐसा कोई एक लाइन चाहूंगा कि आप अगर गुनगुनाइएगा तो। गजल है या पुराना गाना है, मेरे दुश्मन का सुना होगा आपने जो आए दिन बाहर के। मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे, मेरे दुश्मन तू मेरी तू फूल बने पतझड़ का, तुझ पे बहार ना है कभी मेरी ही तरह तू तरसे, तुझ पे करार ना है कभी तुझ पे करार ना है कभी, जिए तू इस तरह के जिंदगी को तरसे मेरे दुश्मन। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत सर, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा लगा रियली आपसे बात करके, और अभी आपने जो गाया, आपकी गायकी भी, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे वक्त दिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनवाइटिंग मी ऑन योर प्लेटफॉर्म, एंड विश यू लॉट ऑफ गुड लक, एंड जो भी काम आप कर रहे हैं तो अच्छे कर रहे हैं, लोगों को आप भी जी आगे आगे ला रहे हैं, मिलवा रहे हैं लोगों से, अच्छी बात है। God bless you. बहुत शुक्रिया, आपसे ही मोटिवेशन मिलता है आपके इस इंटरव्यू से, पूरा मोटिवेशन मिलता है, आप जो कर चुके हैं हम उस पथ पे हैं, तो आपके जो पीछे पीछे पदचिन्ह है उन्हीं पे हम भी आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अरे यंग ब्लड को तो आगे आना ही है, यंग ब्लड नहीं आगे आगे लेके जाना है, और वो संगीत का स्टाइल बदलता रहेगा, सब कुछ होगा, संगीत संगीत रहेगा, घूम घाम के आप देखना वही पुराने गाने फिर पसंद आने लोग शुरू होते हैं, आने लगे। कंपटीशन में 85% लोग जो पुराने गाने गाते हैं, बच्चे भी पुराने, आपको आने का मौका मिले तब देखेगा। दिस इज व्हाट हैपेंस। सो थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नाइस, थैंक यू वंस अगेन।